खबर आ रही है सुपौल जिला से, जहां महाशिवरात्रि को लेकर जिले भर में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिला है। इसी कड़ी में सुपौल प्रखंड स्थित सुखपुर का बाबा तिलेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और बताया जा रहा है कि हर वर्ष की भांति इस मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे गांव का भ्रमण करते हुए नदी से जल भरकर बाबा का जलाभिषेक भी किया गया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण सहित दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होकर इस पावन अवसर पर शिव मंदिर में जल चढ़ाकर पूजा अर्चना किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में हर वर्ष लोग यहां पहुंचकर बाबा भोलेनाथ की जलाभिषेक करते हैं और भगवान से मन्नतें मांगते हैं। TV10 के लिए सुपौल जिला से चंदन कुमार की रिपोर्ट। शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? आज महाशिवरात्रि है। दरअसल में संपूर्ण भारतवर्ष में लोग शिवरात्रि को शिव और पार्वती के विवाह की रात्रि समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में चतुर्दशी तिथि को विवाह होता ही नहीं है, तो फिर सनातन धर्म के जो पुरोधा हैं महादेव और भवानी, उनका साझी इस तिथि में होना संभव ही नहीं है। दरअसल में यह तिथि शिव मतलब आनंद, कल्याण, मंगल और रात्रि मतलब रात्रि, तो जो आनंद की रात्रि है उसे शिवरात्रि कहते हैं। जैसे भगवान राम के जन्म दिवस को, प्रकट दिवस को रामनवमी मनाते हैं, जैसे कृष्ण जी के प्रकट दिवस को कृष्णाष्टमी मनाते हैं, वैसे सृष्टि में प्रथम बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु भगवान की अज्ञानता को हरण करने के लिए जगत गुरु महादेव ने स्वयं को लिंग रूप में प्रकट किया था, और वह क्षण फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या के संगम का चंचा जो मध्य रात्रि के समय व्यतीत हो रहा था, तो महा अंधकार के समय शिव प्रकट हुए थे अज्ञानता को हरने के लिए। उसी के यादगार में ये शिवरात्रि व्रत मनाई जाती है। शिवरात्रि में बाबा तिलेश्वर के स्थान में जो आयोजन होता है, ये युगों का आयोजन है। शिवरात्रि में यहाँ हर वर्ष प्रातः काल 4 बजे ही बाबा के मंदिर का पट खुल जाता है, और उस समय से लेकर संध्या तक उत्तरी बिहार के कम से कम 25 जिले के लोग बाबा को जलाभिषेक करते हैं। संपूर्ण मिथिलांचल और नेपाल को खास करके यहाँ पर जलाभिषेक करने आते हैं। शिवरात्रि में यहाँ संध्या समय से श्रृंगार होता है बाबा का चारों पर, वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक होता है, श्रृंगार होता है, और रात्रि में शिव शक्ति भजन के माध्यम से जागरण होता है, जिसमें हजारों भक्त झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। रात्रि में रहने वाले लोगों के लिए भंडारा का भी आयोजन रहता है, और इस वर्ष तो विशेष व्यवस्था सुपौल जिला लाइट टेंट सॉन्ग एसोसिएशन के द्वारा भी यहाँ प्रांगण का श्रृंगार करके किया गया। यहाँ सवेरे से ही भक्तों के लिए शरबत, ठंडा जल, नींबू जल, कॉफी, चाय की व्यवस्था मुफ्त में है, और इस अवसर पर यहाँ 8 पहर बाबा का पूजा कंटिन्यू चलता है, जो कल सवेरे समाप्त होगा।